शिमला में हो रही जोरदार बारिश से भूस्खलन, पेड़ों एवं डंगों के गिरने का सिलसिला जारी है। रात से शिमला में हो रही भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन पार्क का डंगा गिर गया, जिसकी चपेट में दो गाड़ियां आ गई जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही इसके ब्लॉक 9 के साथ पेड़ व बिल्डिंग को भी खतरा हो गया है। सोलन के भराड़ीघाट गतेड़ गांव में अचानक बादल फटने से हड़कंप मच गया। सड़क पर खड़ी 4 गाड़ियां मलबे में पूरी तरह से दब गई। गनीमत ये रही कि जब घटना घटी तो सड़क पर लोगों की आवाजाही बहुत कम थी और गाड़ियां भी खाली थी। सुबह से ही गतेड़ गांव में तेज बारिश हो रही थी और साथ लगते नाले में भी पानी उफान पर था, जिसमें अचानक एकदम जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव के कारण मलबा सड़क पर आ गया और वाहनों को अपनी जद में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस घटना में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आज भी मौसम बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोग चिंतित नजर आ रहे हैं।